96 मंत्री जी उत्तर पड़ा हुआ, प्रश्न पूछना कुछ? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि केंद्रीय सहकारी बैंक और ग्राम सेवा सहकारी जो समितियां हैं वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की एक रीढ़ की हड्डी की तरह है, इनको फलने फूलने के लिए और अन्य बैंकों से कंपटीशन करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आप क्या कोई इंसेंटिव, एक्स्ट्रा इंसेंटिव देने का विचार रखते हैं? ये यहाँ तक आवाज आ रही है प्लीज, मिस्टर जोगेश्वर जी यहाँ तक आवाज आती है प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, जीएसएस को मजबूत करने के लिए जो ब्याज ऋण दिया जाता है उस पर 2% इन संस्थाओं को दिया जाता है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, और इसको मजबूत करने के लिए कस्टम हायर सेंटर के मार्फत ट्रैक्टर और उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिससे आय हो करके ये मजबूत हो सके, तो ये प्रयास बराबर जारी है। कंप्यूटराइजकृत किया जा रहा है जिससे 60% राशि भारत सरकार देती है और 40% राजस्थान सरकार, जिससे भी इनकी आय में प्रगति होगी और जल्दी काम हो पाएंगे, तो विभिन्न तरीके से आय बढ़ाने के प्रयास हर संभव किए जा रहे हैं। जब से ऑनलाइन सिस्टम चालू हुआ है पैसे जमा कराने का, तब से केंद्रीय सहकारी बैंकों में जो पैसा सरकारी मद से आता है वो अन्य बैंकों में जा रहा है, तो इसको चेक करने के लिए क्या कोई उपाय राज्य सरकार करेगी? ये गलत है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार केंद्रीय बैंकों में ही पैसे जमा कराना पड़ता है, इन बैंकों को अनुमत किया गया नहीं है, इसलिए राशि सरकार की कम जमा होती है उसमें, वो केंद्रीकृत बैंकों में ही जमा होती है। अगला प्रश्न श्रीराम पर्सन सिंह।